तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यहां पर देखिए, एक फ़ोन मैं लेके आया हूं। यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं, कैमरे में जो है पानी जा चुका है, बैक कैमरे में भी पानी जा चुका है, कैमरा धुंधला हो चुका है। इस समय आपका मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जैसा कि आप बैक कैमरा भी देख सकते हैं धुंधला है, और सेल्फी कैमरा भी जो है वो धुंधला हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो प्रॉब्लम है उसे कैसे ठीक करेंगे, वो चीज़ देखने वाले। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बैक का जो पैनल है उसको हीट कर रहा हूँ, और उसको हीट करके प्रॉपर तरीके से उसको हीट करने के बाद ही मैं मोबाइल फ़ोन को खोलने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको हीट कर लेते हैं और इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जितना आप हो सके ढक्कन को, जो पीछे का पैनल है उसको परफेक्टली हीट कीजिए। हीट करने के बाद आप आसानी से किसी भी ओपनर से, या ये जो मैं प्लास्टिक पेपर यूज़ करता हूँ इसकी हेल्प से भी, ब्लेड की हेल्प से भी, इवन आपके पास अगर कटर नाइफ है तो उसकी हेल्प से भी आप ढक्कन को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हीट किया है और ढक्कन देखिए कितना स्मूथली और कितना परफेक्ट तरीके से वो खुलते जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा हार्डली मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है, ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं करना पड़ रहा है। ढक्कन जो है हमारा बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से खुलते जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, ढक्कन जो है बहुत ही आसानी से खुल चुका है। और एक बात खास यहाँ पर यह है दोस्तों, कि कस्टमर ने ये जो मोबाइल फ़ोन है इससे पहले शायद से एक बार और सर्विस सेंटर वगैरह, मतलब उनका कहना है कि उन्होंने सर्विस सेंटर में ही फ़ोन को खुलवाया था। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने फ़ोन को खोलने की कोशिश की, मैंने फ़ोन को खोला, सारे स्क्रूज देखिए मैंने खोल दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक इशू है, एक बहुत ही माइनर सा, बहुत ही छोटा सा इशू है। ये लगभग आ जाता है, कई फ़ोन्स में आ जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये जो ढक्कन है नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? यहाँ पर जो एक स्क्रू है वो मिस्ड हो चुका है। तो जब मिस्ड हो स्क्रू रहता है तो उसे कैसे ठीक करना है, उसे कैसे सही तरीके से आराम से ध्यान से खोलना है, उसके लिए देखिए यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की मदद से आप स्क्रू को हल्का हीट करने की कोशिश कीजिए। अगर वो हीट होके पैनल मेल्ट होके आपका स्क्रू छोड़ देता है तो आप इसकी मदद से भी उसको निकाल सकते हैं। हल्का सा मेल्टिंग की हेल्प लेके आप उसको निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने मेल्टिंग का हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल रहा है। मैं यहाँ पे ट्विस्ट करके निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ये नहीं निकल रहा है। तो मैं यहाँ पर दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल करके देखूँगा, जैसे पकड़ वगैरह का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, या सोल्डिंग आयरन की मदद से एक बार प्रॉपर तरीके से आप उसको अच्छी तरीके से हीट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, या स्क्रू को जो है स्क्रू ड्राइवर में आप सोल्डिंग करके देख सकते हैं अगर वो ऐसे निकल जाता है तो। अब मैं यहाँ पर उसको सोल्डिंग करूँगा, सोल्डिंग करने के बाद उसको ड्राइवर को भी रख के वहाँ पर सोल्ड करूँगा, और उसके बाद मैं उसको ट्राई करूँगा कि खुलता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर को सोल्डिंग किया हूँ, लेकिन हमारा स्क्रू जो है वो अभी भी नहीं खुल रहा है। अभी भी हमारा जो स्क्रू है वो काफ़ी टाइटली बंद है, स्क्रू नहीं खुल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन तो बच नहीं रहा है मुझे। अब इसको ब्लेड की हेल्प से मैं काट सकता हूँ, या उसे किसी तरीके से प्रेशराइज़ करके उसे निकालना होगा। तो कई तरीके होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से उसको निकालता हूँ। अब फ़िलहाल तो मैं इसको ट्विस्ट करके ट्राई कर रहा हूँ कि हो सकता है कि स्क्रू जो है भाई थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाए। अगर ढीला होकर निकल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये निकल पाएगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन बहुत कम ही चांस लग रहे हैं मुझे। तो फिर भी एक बार मैं इसको प्रॉपर तरीके से ट्राई करूँगा और इसको खींच के भी निकालने की कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत ही कम चांस लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ढक्कन खोलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है दोस्तों। मैं यहाँ पे इसको ओपनर की मदद से खींच के प्रेशर दे के निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर वो तरीका भी मेरा काम नहीं आ रहा है। लगभग ये तरीका भी काम नहीं आ रहा। अब मैं इसे खींच के निकालने की कोशिश करूँगा, हल्का सा बैंड करूँगा, बैंड करके जो है मैं स्क्रू को खींच के निकालने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, मैं खींचने की कोशिश तो कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बैंड कर दिया है मैंने। इसमें देखिए, प्लास्टिक का तो है ये, मतलब आप जानते ही होंगे कैसा पैनल होता है, उसमें हल्का मेटल इफेक्ट भी है, मेटल भी है। देखिए, मैंने इतना प्रेशर डाल दिया दोस्तों, इतना खींच दिया, लेकिन जल्दी निकला नहीं।
यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रू जो है वो काफ़ी पूरी तरह से बैंड हो चुका है, और स्क्रू का जो लॉक होता है, जो उसका क्लिप होता है, वो भी मिस हो चुका है, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ पे देखिए जो बैंड हुआ है हमारा, उस पत्रे को मैं अच्छी तरीके से पकड़ की हेल्प से सीधा कर दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पर हम अगर दूसरा स्क्रू लगाना चाहें तो अच्छी तरीके से लगा सकें और हमारा फ़ोन जो है वो ज़रा भी बैंड वगैरह ना दिखे। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको पकड़ के हेल्प से सीधा करने की कोशिश की और उसको सीधा कर दिया है। अब जैसा कि यहाँ पे स्क्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए स्क्रू जो था वो हमारा ख़राब हो चुका है। अब बारी है प्रोसेस आगे बढ़ाने की। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन जो है अभी भी ऑन ही है और मैं इसे ऑफ़ करूँगा, क्योंकि हमें सेल्फी कैमरे को भी निकालना है, तो इसे ऑफ़ करके ही निकालना उचित होगा, ऑफ़ करके ही निकालना अच्छी बात होगी। तो फ़ोन को सबसे पहले मैं ऑफ़ करूँगा। ऑफ़ करने के बाद कैमरा वगैरह जो है उसे फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, एवं जो भी कैमराज है, जहाँ जहाँ पे भी मुझे पानी दिख रहा है उसे मैं साफ़ करूँगा कपड़े और लिक्विड की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं सेल्फ़ी कैमरे को निकाल रहा हूँ। सेल्फ़ी कैमरे में भी जैसा कि आपने देखा होगा कि लिक्विड डैमेज था, तो सेल्फ़ी कैमरे को भी हमें साफ़ करना है। सेल्फ़ी कैमरे को साफ़ करने के साथ साथ देखिए यहाँ पर देखिए पानी के आपको निशान ट्रेसेस दिख जाएंगे, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं, फ़ोन में नॉर्मल माइनर सा पानी या पसीना गया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसा कि यह सेल्फ़ी कैमरा निकाल दिया है, सेल्फ़ी कैमरा निकालने के बाद जो कैमरे का स्लॉट बचता है, जो कैमरे का गैप जो होल दिया हुआ होता है, उसे किसी भी लिक्विड की मदद से और कपड़े की मदद से आपको सबसे पहले उसे साफ़ करना है, क्योंकि आप कैमरा कितने भी बार साफ़ कर दीजिए, अगर उस स्लॉट में अगर डस्ट है, अगर धूल मिट्टी है, अगर पानी का कोई भी ट्रेसेस है, तो वो चीज़ क्लीन नहीं होने वाली है, तो उसे क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप उसे सबसे पहले क्लीन कीजिए, उसके बाद रेयर कैमरा, मेन कैमरा, जो भी बैक कैमराज है, जितने भी कैमराज है, सारे कैमराज को आपको एक के बाद एक क्लीन कर देना है, बारी बारी से उसे क्लीन करना है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने सारे कैमराज को जो है वो बारी बारी से पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्लीन करने की कोशिश की है और उसे मैं क्लीन भी कर दे रहा। अब क्लीनिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो दोनों कैमरा है, सेल्फ़ी कैमरा एवं मेन कैमरा, जो ब्लर आ रहे थे, जो मतलब पहले आपने देखा स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में जो ब्लर दिख रहा था, क्या वो हमारा क्लीन हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे जैसा कि मैं सेल्फ़ी कैमरा को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सेल्फ़ी कैमरा जो है वो हमारा काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है, काफ़ी हद तक क्लीन दिख रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कनेक्टर वगैरह में भी डस्ट वगैरह डैमेज वगैरह तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आपको ब्रश की मदद से उसको साफ़ कर देना है, कैमरा के कनेक्टर को भी। मुझे हल्का सा डाउट लग रहा था इसीलिए मैंने उसे क्लीन कर दिया है। अब क्लीन करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं कैमरा को वापस से इंस्टॉल कर दे रहा हूँ, जैसे कि हमने उसको निकाला था वैसे ही उसको अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसा कि मैं क्लीन कर रहा हूँ, मैं मतलब अपने हिसाब से मैं कैमरे को क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कस्टमर जो है हमारे वो चाहते हैं कि वो अपने हाथों से उसे क्लीन करे, मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सही तरीके से उन्होंने अपने हाथ से करने की कोशिश की है, जैसा कि आपने यहाँ पर अभी देखा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइव कैमरे लाइव कस्टमर के सामने ही उनका फ़ोन रिपेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कैमरा वगैरह को सब कुछ क्लीन कर दिया है, क्लीन करने के बाद अब मैं मोबाइल फ़ोन को कैमराज वगैरह को वापस से पैक कर रहा हूँ, वापस से इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद मैं फ़ोन को ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद मैं अब आपको यहाँ पर फ़ोन को चालू करके कैमराज जो हमने क्लीन किए हैं, जो साफ़ किए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। तो जैसा कि अब मेरा फ़ोन ऑन हो रहा है, तो फ़ोन ऑन हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है जो प्रॉब्लम हमारी आ रही थी, जो फ़ोटोज़ ब्लर दिख रहे थे, जो कैमराज ब्लर दिख रहे थे, उसका सलूशन देखते हैं यहाँ पर हो गया है कि नहीं। अब जैसा कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, देखिए अब बैक कैमरा पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले आप देख सकते हैं कितना क्लीन, कितना शार्प दिख रहा है, और सेल्फ़ी कैमरे को भी आप इस वक्त देख सकते हैं कितना क्लीन और कितना अच्छा दिख रहा है।
मेन कैमरा भी हमारा क्लीन हो चुका है और सेल्फी कैमरा भी हमारा क्लीन हो चुका है। तो देखिए ये कुछ प्रोसेस था दोस्तों कि इस तरह के फ़ोन्स में कभी भी वाटर डैमेज, कभी भी कोई किसी भी तरह का कोई भी लिक्विड डैमेज अगर जाता है तो उसे कैसे साफ़ करना है, इवन साफ़ कर देने के बाद आपको मदरबोर्ड के ऊपर नॉर्मल हीटिंग मार देनी है ताकि अगर कोई भी वाटर डैमेज, कोई भी लिक्विड डैमेज का असर मेन बोर्ड के ऊपर कहीं भी आसपास पड़ा होगा तो वो सूख जाएगा, समझे। तो अब यहाँ पर मैंने उसे सब कुछ कर दिया है, फ़ोन को सब कुछ रेडी कर दिया है। अब मैं फ़ोन को वापस से पहले की तरह वापस से मैं असेंबल्ड कर दे रहा हूँ। तो जैसे सारी चीज़ें हमने खोली थी उसी तरीके से सारी चीज़ें हम यहाँ पर लगा देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो लगा देने के बाद अब यहाँ पर देखिए मैंने सारे स्क्रूज लगा दिए हैं। लगा देने के बाद जो हमारा स्लॉट, जो स्क्रू हमारा नहीं निकल रहा था वो स्क्रू को यहाँ पर मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि जब अंदर का जो स्क्रू टाइट होने के लिए जो रिंग लगती है, जो खांचा लगता है वो भी मिस था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। अब ढक्कन को हमें पैक करना है, फ़ोन तो हमारा बन चुका है। तो ढक्कन को पैक करने से पहले जो साइड साइड में ग्लूइंग, पहले पुरानी वाली ग्लूइंग है उसे भी हम क्लीन कर देंगे, पुरानी वाली ग्लूइंग को साफ कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो ग्लोइंग का सिस्टम था वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब खाली कैमरे का जो ये जो ग्लास होता है, जो लेंस दिया हुआ है, उसे भी क्लीन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैमरे में, वीडियो में आप देख सकते हैं बार बार कस्टमर का हाथ आ रहा है क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं उनके मन के मुताबिक सारी चीज़ें कर रहा हूँ ताकि उन्हें सेटिस्फेक्शन मिले, उन्हें अच्छा महसूस हो। वो जैसा चाहते हैं उनके फ़ोन को मैं उसी तरीके से रिपेयर कर रहा हूँ, उसी तरीके से क्लीन करके उनको दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों कैसा है कि हमारा ये जो मोबाइल रिपेयरिंग का जो सेक्शन होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, जो ये हमारा काम है, अपने इस काम में अपना खुद का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है और अपने खुद के सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका जो कस्टमर है, आपका कस्टमर आपके काम से, आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड हो। तो इसीलिए मेरे कस्टमर ने जैसा जैसा उनको सूटेबल लगा, जैसा जैसा वो चाहते हैं, मैं वैसा वैसा उनके सामने ही उनका फ़ोन बना के दे रहा हूँ ताकि उन्हें खुशी मिले, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो यहाँ पे देखिए अब कंडीशन ये है कि मोबाइल फ़ोन को मैंने पहले की तरह फिर से पैक कर दिया है, सारी चीज़ें क्लीन कर दी हैं। अब यहाँ पर जो हमने ग्लू अप्लाई किया है, अगर आपको ग्लू थोड़ा भी बाहर नज़र आ रहा हो तो आप मेरी तरह लिक्विड से, कपड़े की हेल्प से इसे वापस से क्लीन कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्लीन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर दोगे तब ये समझ में नहीं आता है कि फ़ोन आपने खोला है कि नहीं खोला है, क्योंकि ग्लूइंग जो एक्स्ट्रा थी वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ढक्कन बंद कर चुका हूँ। अब ढक्कन बंद करने के बाद एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा दे कैमरा चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हैं सेल्फी कैमरा हमारा एकदम परफेक्ट, मेन कैमरा जो है वो भी हमारा एकदम परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं प्रोसेस अब बचा है, खाली मोबाइल फ़ोन को रबर बैंड की हेल्प से पैक कर देना है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपने जो सीखा है वो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि अगर फ़ोन में लिक्विड डैमेज, वाटर डैमेज वाला कोई भी फ़ोन अगर आपके पास आता है, उसके कैमरे में डस्ट वगैरह रहती है, अगर कैमरे में वाटर डैमेज का साइन आपको मिलता है, तो उस कंडीशन में उस तरह के फ़ोन को आप कैसे ठीक करेंगे वो आज की वीडियो में आपने सीखा।
तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अपने आने वाली अगली वीडियो में।